पड़ोसी संतान प्राप्ति के लिए मेरी नाबालिग पुत्री को करना चाहते हैं प्रेग्नेंट, एसपी के पास पहुंचे माता पिता। साहब, हमारे पड़ोस में रहने वाले दंपति के कोई संतान नहीं हुई, वह हमारे घर आकर नाबालिग पुत्री को गर्भवती करना चाहते हैं। मामले को लेकर कोतवाली में भी शिकायत की गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए आप हमारी मदद करें, दोनों दंपति पर कठोर कार्रवाई की जाए। एसपी को दिया आवेदन में ठकुरापुरा की रहने वाली महिला ने बताया कि वो अपने बच्चों को बूढ़ी सास के सहारे छोड़कर पति के साथ मजदूरी करने जाती है। हमारे पड़ोस में रहने वाले अभिषेक और उनकी पत्नी प्रियंका जाटव घर में घुस जाते हैं और मेरी 13 वर्षीय बच्ची पर दबाव डालकर अवैध कृत्य कर बच्चा पैदा करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, इन लोगों ने मेरी बच्ची की मारपीट भी की, उसके शरीर में कई अंदरूनी चोटें हैं। मामले को लेकर कोतवाली में शिकायत मैंने की है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। पड़ोसियों से हमारा परिवार भयभीत बना हुआ है। महिला ने बताया कि अभिषेक की शादी को 2 साल हो गए, उसको कोई बच्चा नहीं है, इसलिए आप दोनों दंपति संतान प्राप्ति के लिए मेरी नाबालिग बच्ची के साथ जबरदस्ती कर उससे बच्चा पैदा कराना चाहते हैं, इसलिए हम एसपी के पास मदद लेकर आए हैं। जिस समय से 13 साल की लड़की, नाबालिग लड़की अभिषेक जाटव प्रियंका जाटव, उसके प्रियंका के बच्चे ना होने के कारण वो लड़की को दबाव डाल के बोल रही है कि मुझे तो तुमसे लड़के वो बच्चे पे चाहिए मुझे तो, अभिषेक जाटव और प्रियंका जाटव। कितनी शादी हो गई? 2 साल शादी हो गई उसकी। बच्चे क्यों नहीं हो रहा उसके यहाँ प्रियंका? उसके कुछ कारण होगा इसलिए नहीं हो रहा, तो हमसे मांग रही है वो। रहने वाले कहाँ से हैं ये लोग? रहने वाले ये ठकुरपुरा के हैं। इसकी शिकायत आपने थाने में करी थी तो कोई सुनवाई नहीं की ना उसकी कार्रवाई करी। एसपी ऑफिस पे आए तो परसों के दिन बोला है 2 दिन के लिए। हाँ, उनको मारपीट भी की थी, इसके पापा को भी, सबको, पूरे परिवार को मारपीट भी, बहुत मारपीट की है उसने। और इसके कारण हम बोलना चाहते हैं कि जे कोई समस्या हुई तो उसके कारण हमें उसका भुगतान पुलिस ही कर सकती है, और कौन कर सकता है, कार्रवाई उसकी भी की जाए। कौन सी क्लास में? वो 8वीं क्लास में।